तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, सुल्तान बिजनेस आइडियाज़ में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडियाज़ लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट बिजनेस है और बहुत ही अच्छा चलने वाला है। इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आपको। तो क्या है, एक बार जो है इसमें खर्चा कर देना है, जो कि एक बार आप खर्चा कर दोगे तो आप जो है इसमें परमानेंट आप जो है कमा सकते हो, जो कि 1000 रुपया, 2500। और इसमें आपको जो है खर्चा भी नहीं लगाना है, ओनली वन आप जो है इसमें कमाते ही रहोगे एक बार पैसा लगाकर। ये बिजनेस आपका जो है चल गया यानी ये चीज़, तो दोस्तों आप जो है बहुत ही अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हो। और जो भी आपका खर्चा लगा हुआ है, ये पैसा भी आप इसमें निकाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही तेज़ चल रहा है और हर जगह में जो है इसका है। कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे ये चीज़ नहीं चल रहा है। बताने जा रहा हूँ ई रिक्शा का। ई रिक्शा आप सब जानते हो, और ई रिक्शा का बिजनेस दोस्तों बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको, अगर आप घर पर रहते हो या आप जो है कहीं ऐसा जगह रहते हो या सोच रहे हो कुछ करने के लिए कारोबार घर पर, तो दोस्तों आपके लिए ये बिजनेस बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि ई रिक्शा वाला है। इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इसमें क्या है कि जो चार्जिंग वाला ई रिक्शा है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही तेज़ से चल रहा है। अगर आप कहीं ऐसे गाँव में रहते हो या कहीं ऐसे जगह में रहते हो कि जहाँ पर जो है ये ई रिक्शा नहीं है, तो आप जो है आप खुद खरीद ई रिक्शा का जो है बिजनेस आप कर सकते हो। इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। अगर आपको जो है दिन भर अगर आप इसे चला लिए, मान चलिए 10 चक्कर भी लगा लिए, तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक आपको एक ही बार लगाना है, जब मान के चलिए 2 से 2.5 लाख, क्योंकि इसमें कई क्वालिटी का रिक्शा है। आपको 1.5 पौने 2 लाख में भी मिल जाएगा, 3 लाख में मिल जाएगा, जिस तरह से आप पैसा लगाओगे दोस्तों। कई कई क्वालिटी का रिक्शा है, आपको जैसा पैसा लगाओगे उसी तरह से आपको रिक्शा। और दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इसे फाइनेंस में लेना चाहते हो, जैसे कि किस्त पर, तो अगर आप किस्त पर लेना चाहते हो तो किस्त में क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक रिक्शा रहता है दोस्तों कि अगर आप किस्त पर लोगे, तो किस्त मान चलिए आपको जो है कभी लाइट नहीं है, कभी कुछ है प्रॉब्लम है, तो नहीं चलेगा, तो आपको वो नुकसान हो जाएगा। अगर आपके पास कैश है तो आप जो है कैश ले सकते हो। कैश लोगे दोस्तों, उसमें क्या है, टेंशन नहीं रहेगा आपको जो है कि पैसा भरना है, हर महीना भरना है, तो इसमें ये टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप किस्त पर लोगे तो ये टेंशन आपको लगा रहेगा। आप मान चलिए कि कभी कभी होता क्या है कि लाइट खराब हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप जो है बैटरी चार्ज नहीं होगी तो ये चलेगा नहीं, तो इसमें जो है आपको एक टेंशन लगा रहेगा कि जो है आप अब इसका पैसा कैसे भरूँ कैसे भरूँ। इसीलिए दोस्तों अगर आप कैश पे उठा लोगे तो इसका जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। और डेली का दोस्तों, अगर आप कहीं ऐसे जगह में रहते हो जहाँ पे जो है ई रिक्शा कम है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे ई रिक्शा ज़्यादा है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, तो दोस्तों वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो है समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जब आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो आपको पता नहीं चलता है, आप अधूरी बात रह जाती है। उसके बाद दोस्तों, जब ई रिक्शा जहाँ कहीं भी आप रहते हो वहाँ पर जो अगर ज़्यादा है, तो इसका जो है क्या है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किराए के लेकर। और किराया आपको दोस्तों क्या करना है, आप अपना हिसाब देखिए, जैसे कि आपका गांव है कहीं ऐसे जगह में रहते हो, तो वहां पे दोस्तों आप किराया जो है आप मीडियम रखिए। जैसे कि मान कर लिए कि तो बहुत सारा ई रिक्शा रहता है, कुछ लोग जो है किराया ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोग कम लेते हैं। अब वो ऐसे में क्या है कि अगर आप नए रहोगे तो आप जो है जैसे कि वो 25 ले रहे हैं, तो आप जो है उसमें से आप 20 ही लीजिए, क्योंकि जब आप धीरे धीरे आपको पैसा, देखिए जब आपको ज़्यादा सवारी चलेगा दोस्तों तो वो पैसा आपका जो है कवर हो जाएगा। अगर आप एक ही बार भाड़ा ज़्यादा लोगे दूसरे को देख के, तो उनका क्या है कस्टमर जो है ऑलरेडी फिक्स है, तो वो लोग तो उसी को बुलाएंगे। और आप जब नए रहोगे तो आपको जो है 5 रुपया डाउन ही लेना है उसमें, क्योंकि पेट्रोल डीजल खर्चा नहीं होना है दोस्तों आपको। और जितना ज़्यादा आपका चलेगा उतना पैसा आपका जो है कवर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको ई रिक्शा लेकर, आप जहाँ कहीं ऐसे गाँव में रहते हो जहाँ पे ई रिक्शा नहीं है, बहुत जगह ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रिक्शा नहीं है, सुविधा नहीं है दोस्तों, लोग पैदल जाते हैं, तो उससे अच्छा रहेगा कि आप जो है रिक्शा लो लोगे तो 3-4 किलोमीटर है अगर आपका, तो वहाँ पे चार्ज जो है दोस्तों 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, जिस तरह से आपका जो है एरिया हो, जहाँ पे किस तरह से दूर है नज़दीक है, उसी तरह से आप जो है भाड़ा उसका फिक्स कर सकते हो। और एक बार में दोस्तों आप 4 आदमी को और 4 आदमी 5 आदमी को आप बैठा कर ले जा सकते हो। आप मान के लिए दोस्तों, अगर आप 5 आदमी भी आपके ई रिक्शा में बैठ गए और 5, मान चलिए कि 30-30 रुपये हो गया, तो दोस्तों आपको 150 रुपया एक ही चक्कर में आपको मिल जाता है, आपको एक चक्कर में 150 रुपया आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वापस रिटर्न के समय अगर आपके गांव का है कहीं भी आप छोड़ने का है, तो वहां पे भी आप छोड़ सकते हो उसी तरह से। यानी दोस्तों डेली का आप मान के लिए कि 1000 रुपया, 800 रुपया आप डेली इसमें कमा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपका पैसा दोस्तों जो कि 6 से 7 महीना में आप जो है निकल जाएगा, जब तक आप बैटरी बदली करने का समय आएगा आपका जो है ई रिक्शा का पैसा निकल जाएगा। उसके बाद जो भी बैटरी आपको बदली करना पड़ेगी, जो कि 40 से 50 हज़ार रुपये में, 60 हज़ार रुपये में आपकी बैटरी चेंज हो जाएगी, तो
तो दोस्तों ये जो है आप लेकर बहुत ही अच्छा जो है आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप घर पर रहना चाहते हो या कोई बिजनेस करना चाहते हो तो ई रिक्शा अगर आपके यहाँ नहीं है तभी आप ये बिजनेस कीजिए, यानी ये लीजिए। अगर आपके यहाँ है, कंपटीशन का माहौल है, तो आप इसे मत लीजिए, क्योंकि जहाँ पर सुविधा नहीं है दोस्तों वहाँ पर इसका चलने का ज़्यादा वो रहता है। इससे क्या रहता है दोस्तों, जब आप ले लोगे तो कुछ लोगों को पैदल जाने के लिए सोचना पड़ता है कि मैं इतना दूर पैदल जाऊँ और आऊँ, फिर उसीलिए आदमी नहीं जाता है। अगर जब आपको वहाँ पे सुविधा हो जाएगी तो लोग जो है जाएंगे, क्योंकि आजकल लोग सुविधा देख रहे हैं, पैसा नहीं, सुविधा देख रहे हैं।